हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद जी हैं। सर, एबीपी न्यूज सी वोटर का जो एग्जिट पोल आया है उसमें एनडीए को 353 से 384 सीटें मिलने की संभावना है, मतलब लगता है प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए सरकार फिर से बनने जा रही है। एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल की कहानी बता रहा है, एग्जैक्ट पोल भी यही होने वाला है 400 के पार, तो आपका हो या बाकी का हो वही है। ये देश विश्वास करता है कि नरेंद्र मोदी ही देश चलाने के लिए सक्षम है, गरीबों के लिए, विकास के लिए, किसानों के लिए, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए, तो अच्छी बात है। इंडिया गठबंधन को सिर्फ 152 से 182 सीटें मिलती दिख रही हैं, तो क्या असली आंकड़ा इससे भी कम रहेगा या क्या रहने होगा? इससे कम जाएगा। देखिए, अब लफबाजी और नाटक का जमाना चला गया है, अब जनता ईमानदारी से शुचिता से शासन की अपेक्षा करती है। बिहार में सर, आप लोग सभी 40 जीतने का लक्ष्य रखे थे, 34 से 38 के बीच में आंकड़ा दिखाया जा रहा है और महागठबंधन को 3 से 5 सीट के बीच मुझे लगता है 40 की 40 होगी। अब देखिएगा, तेजस्वी रोजगार को एक मुद्दा बता रहे थे लेकिन लगता है जनता उनके बात में आई नहीं। जनता को एक मॉडल और भी याद है ना, जमीन तो नौकरी लो। एक आखिरी सवाल सर, आपका तो बहुत लंबा अनुभव है, क्या राम राशन राष्ट्रवाद पे चुनाव हो गया? देखिए, सिर्फ राम तो प्रभु राम है, राजनीति से ऊपर है, लेकिन जो लोग निमंत्रण के बावजूद मंदिर के उद्घाटन में नहीं गए, सनातन का अपमान किया, तो जनता को दर्द तो होता है, लेकिन जनता उसके साथ सुचिता भी चाहती है, ईमानदारी भी चाहती है, कौन देश को चलाएगा ये भी समझती है। तो आपका जो एग्जिट पोल है वो एग्जैक्ट पोल जो दिखा रहा है सबों का वो यही है। तो रविशंकर प्रसाद, कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शाम कुमार, एबीपी न्यूज पटना।